2023 is celebrated as International Year of Millet. तो आज इस वीडियो पे हम मिलेट्स के बारे में कई सारी नई चीजें जानेंगे। सबसे पहले, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आजकल के एनवायरनमेंट में कई सारी खतरनाक वायरसेस हैं। तो इन्हें दूर भगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे कई क्वेश्चंस आज के युग के साइंटिस्ट के मन में आते हैं। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो करेंटली जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वही इन सब का कारण है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीट एंड राइस की। उनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं रहते हैं कि वो हमें बीमारियों से रिकवर कर सके। वीट एंड राइस को नेगेटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में लिया जाता है, इसीलिए अब हमें चाहिए एक बेटर ऑप्शन, एक नई चीज़ जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके, जिसमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर्स आते हैं। हमें वैसे गेन्स लेने चाहिए जिन पे कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स का जो रेशियो है वो एक सही अमाउंट पे हो। और हाँ, मिलेट्स इन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर है। आखिर हम मिलेट्स को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनमें हर वो चीज़ है जो कि आज के पीरियड को चाहिए। वो ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करते उगने के लिए, ना ही उन्हें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की नीड होती है। तो हाँ, मिलेट एक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड फ्री फूड है, जिसे हमें अपने डाइट्स में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनके टाइप्स, मिलेट एक लार्ज फैमिली ऑफ ग्रास है, स्मॉल सीडेड ग्रास, जिनके कई टाइप्स हैं, और इंडियन कल्चर में तो और भी ज़्यादा इनकी वैरिडिटी देखी जा सकती है। तो आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा कि हम कैसे चेंज कर दें अपन वीट एंड राइस से मिलेट्स में। तो हमें ऐसे अमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मिलेट है वही हमारे एंशियंट इंडिया का स्टेपल फूड रहा है। हाँ, सही कहा मैंने, 4000 ईयर्स एगो पे भी हमें काफ़ी सारे सबूत मिले हैं। इसका मतलब ये बहुत पहले से कंज्यूम होते आ रहा है। दूसरी चीज़, लोगों को डाउट है इसके टेस्ट पे, मतलब ये कैसा रहता है टेस्ट पे। तो पर्सनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करी जाए तो अभी इंडिया ने जो G20 समिट करी वहाँ पे भी इसे इंट्रोड्यूस करा गया, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अब अगर बात करी जाए वीट एंड राइस मिलेट के वर्सेस की, तो हाँ, मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं। प्रोसो मिलेट, रागी, ये सब रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम हैं, जिनके कारण, और ज्वार, बाजरा, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। वीट एंड राइस में कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़्यादा होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण डायबिटीज़ के पेशेंट आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडियन कल्चर में कई तरह के आपको मिलेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा, कोदो, कुदई और काफ़ी सारे, अमरनाथ। इनकी वैरिडिटी हमारे एंशियंट कल्चर से चलती आ रही है। ये चेंज हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में चेंज हुआ था जब इंडिया एक मनी क्रॉप देख रहा था, या फिर ऐसा क्रॉप जो कि उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन को वापस से अच्छी कर सके। उस टाइम एक फैमाइन आया हुआ था, जिसके कारण अब इंडिया ने ठान ली थी कि अब उन्हें कोई एक ऐसी क्रॉप चाहिए जो उन्हें फाइनेंशियली इम्प्रूव कर सके। हाँ, तब उन्हें दिखे थे वीट एंड राइस, उसके कारण हमने इन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन को पीछे छोड़ दिया। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अब आप वापस से इन्हें अपनी लाइफ में लेंगे। थैंक्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।